Hey guys, this is Fatima Jafri and welcome back to another vlog. और आज की vlog या कहना YouTube video इस नाम पर है कि I need a break, क्योंकि मुहर्रम चल रहे हैं, आप लोगों को पता है आज दूसरी मुहर्रम हो गई है, दो दिन से तभी मैं गायब थी। काम बहुत सारे होते हैं आज़ादारी में, आप लोगों को पता है, तो थोड़ी सी बिजी हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्रेक ले लूँ। 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह जो लाहौर की कुछ व्लॉग्स रह गई हैं वो कंटिन्यू करनी है, जो कुछ वीडियोस रह गई हैं वो कंप्लीट करनी है, तो तब से कर लेते हैं, कोई नहीं पक्का, क्योंकि आपको पता है रोज़ की आदत हो गई थी अपलोडिंग की सब कुछ, लेकिन मौला से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर मैं करने का पहले सोच भी रही थी कि मैं बताऊँगी कि कैसे हम लोग की आज़ादारी होती है, कैसी वो होती है, मगर एक मुझे डर लग रहा था कि आप लोग कहीं ना बोलें कि हम मेरे व्लॉग करने से किसी का कोई दिल आज़ारी ना हो जाए, कोई तकद्दस पामाल ना हो जाए, मैं इसलिए थोड़ा सा डर रही थी। फिर उसके बाद ये भी बात है कि मुहर्रम आ गए तो मेरी थोड़ी सी मजलिसें भी पढ़नी होती हैं, जो कुछ कहीं जगह है, जाहिर सी बात है कुछ लोग सोचते हैं कि मजलिसें क्यों पढ़ रही हो, या फिर आप मजलिस से भी पढ़ती हो तो जाहिर सी बात है मौला को तो नहीं छोड़ सकते हम। हमारी ये जो सब है तो दुनियावी चीज़ है, हम जहाँ जिसका सवाल जवाब देना है वो तो नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए मजलिसें वगैरह भी पढ़नी होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह कुछ हैं वो यूट्यूब पे अपलोड करती रहूँगी, उस पर ज़रूर प्यार देगा। और 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिशें करूँगी कि मैं 10 मुहर्रम के बाद कंटिन्यू पूरा रखूँ, क्योंकि आप बताइए हमें अज़ामें बहुत कम होता है कि फुर्सत मिल पाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मौला हमारे घर मेहमान होते हैं, तो कोई मेहमान होता है तो ऐसा तो कभी भी नहीं आपने देखा होगा किसी मेहमान को आप एक तरफ करके और अपने कामों में लग जाएं, तो मौला हमारे घर में मेहमान होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पूरा वक्त जो है वो उसी उन्हीं की मतलब अजाब में उन्हीं के उसमें निकालें। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 10 के बाद फिर कंटिन्यू रखूँ। कमेंट्स में आप लोग बताएँ कि ये कंटिन्यू मैं करूँ कि नहीं करूँ, या फिर अयाम अज़ा की अगर एक मैं आपको पहले एक अपलोड करके देखूं कि मैं क्या करती हूँ अयाम अज़ा में, और अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि मैं एक अयाम अज़ा का बताऊं कि हमारे घर में कैसे होता है, या कुछ आप लोगों के सवाल हों वो उसमें क्लियर कर दूं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इन दिनों में कि मैं आप लोगों को करके दे दूँ, नहीं तो फिर 10 मुहर्रम के बाद मिलेंगे, कोई बात नहीं। तो बाकी ये है कि मेरी कोशिश पूरी यही रहती है हमेशा से कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कोई मुझसे मतलब कोई किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए। तो ऐसा करते हैं कि आज की मतलब यही वीडियो रख देते हैं कि आप लोग मुझे सवाल जवाब मैं अपने आसमी क्वेश्चन पे भी डाल देती हूँ, और अपने इंस्टाग्राम पर और अपने यूट्यूब पर भी कमेंट्स में पूछ लेती हूँ कि जी मुझे बता दें कि मैं आज़ादारी का बताऊं कि कैसे करते हैं सब कुछ, या फिर 10 मुहर्रम तक हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। तो आप लोग जाएं और इंस्टाग्राम चेक करें, इंस्टाग्राम पे मैंने पूछा हुआ है कि जी मैं क्या कर सकती हूँ और क्या मैं नहीं कर सकती हूँ, अच्छा सब आप लोग मेरे लिए बेहतर जानते हैं, तो जल्दी ले जाइए और बताइए। जब तक के लिए मैं आप लोगों की मुंतज़िर हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।